अभी हमारे साथ मौजूद है एमएलए वारिस पठान जी। सर आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी और आपने उनको एक मेमोरेंडम दिया है, तो सर क्या है पूरा मामला? आज हम मिले रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी के साथ में, हमने उनको मेमोरेंडम दिया, उसमें ये लिखा हुआ था और हमने उनको ये समझाया भी कि हमारे एरिया में जो हैंकॉक ब्रिज है, बहुत पुराना ब्रिज था, तो उसको तकरीबन 3.5 साल से डिसमेंटल कर दिया है, तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से डेली 40,000 से ज़्यादा लोगों को तकलीफ होती है। स्कूल के जो बच्चे वहाँ से आते जाते थे उनको घूम के जाना पड़ रहा है, एक बच्चे की जिसमें एक्सीडेंट से डेथ भी हो गई, काफ़ी लोगों को दिक्कत पड़ती है, परेशानी पड़ती है। हमने असेंबली में भी उठाया गया जल्द से जल्द ये ब्रिज का काम चालू, और कोर्ट में भी मैटर था, कोर्ट से भी क्लियर हो गया था, तो क्यों चालू नहीं हो रहा ये ब्रिज? तो पीयूष गोयल साहब ने हमको आज आश्वासन दिया है कि हमने सारी एनओसीज दे दी है और सीएम साहब के साथ भी उनकी बात हुई है, पीएमसी कर्मचारी रेलवे ऑफिसर सबके एनओसी आ गई है, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम तुरंत इस ब्रिज का काम चालू करेंगे और 15 महीने के अंदर अंदर ये ब्रिज तैयार हो जाएगा और लोगों को 15वें महीने में उस ब्रिज से आ जा सकेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया। दूसरा, हमने उनके पास मुद्दा ये रखा कि जो रेलवे प्रॉपर्टीज है, रेलवे ट्रैक्स, वहां पर काफी महीनों से कुछ जो नाइजेरियन ड्रग पेडलर्स है उनका मैनेज चल रहा है, रात को वहां से आते हैं, ड्रग की डीलिंग करते हैं और अगर स्थानीय निवासी वहां बचा नहीं जाते तो उनको पत्थरों से मारा जाता है। बीच में हमारे बाइकल्ला के पुलिस वाले, रेलवे पुलिस सब उनके पीछे भागे, पकड़ दे मगर कोई हाथ में नहीं आए, दो को अरेस्ट उन्होंने किया था, और ये काफी मात्रा में ये लोग अटैक करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए और जो इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट किया जाए, ताकि इस एरिया के अंदर जो ड्रग बिक रहा है, ड्रग का जो मिनेस है वो कम। तो उन्होंने इमीडिएटली उनके ऑफिसरों को कहा है कि इस विषय में, इस मामले में सख्त इंक्वायरी की जाए और जो भी गिल्टी है, जो भी कानून की तरह से उनके खिलाफ स्टेप्स ले और ये नाइजेरियन लोग का ड्रग मैनेज जो है कंप्लीट करें। और क्योंकि रेलवे ट्रैक है उनके अंडर में आता है पूरा, वहां से लोग करते हैं, तो उन्होंने रेलवे ऑफिसर्स को भी कहा है कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई करके इस मैनेज को वहां स्टॉप करें। अब देखना है, बोला है उन्होंने, सुना है हमने, उम्मीद है करेंगे, करके दिखाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी उनसे मुलाकात हुई। थैंक यू सर।